न्यू आयुक्त न्यायालय अधिवक्ता समिति के तत्वावधान में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी के स्वागत समारोह का आयोजन आयुक्त सभागार में किया गया। इस मौके पर अधिवक्ता समिति के पदाधिकारियों ने मंडलायुक्त को बुके देकर स्वागत किया। गौरतलब है कि गोरखपुर मंडल का पदभार ग्रहण करने के पश्चात पहली बार न्यू आयुक्त न्यायालय अधिवक्ता समिति के पदाधिकारियों ने मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी से मुलाकात की और उनका स्वागत करते हुए अपनी समस्याओं से उन्हें रूबरू कराया तथा कहा कि मुकदमों के निस्तारण में तीव्रता लाई जाए जिससे लोगों को समय से न्याय मिल सके। जिस पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने सभी अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया कि आप लोग पहल करें, मैं आप लोगों के साथ हूं, मेरी तरफ से कोई भी त्रुटि नहीं होगी और वादकारियों को समय से न्याय दिलाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अधिवक्ता समिति के महामंत्री ज्योति कुमार श्रीवास्तव ने कहा, जिलाधिकारी महोदय, माननीय रवि साहब कई वर्षों तक थे, पुनः हमारी धरती पर कमिश्नर के रूप में पधारे हुए हैं। आज न्यू आयुक्त न्यायालय अधिवक्ता समिति की तरफ से उनका स्वागत समारोह रखा गया है। ऐसे आपासी साहब से निवेदन करेंगे जो उनको मौके देख कर उनका स्वागत। अपना नाम बताएंगे, चलिए बताइए। हेलो सर, एडवोकेट विकास तिवारी। स्वागत में आप लोगों से निवेदन है, एक एक व्यक्ति उनके स्वागत में अपने बातों को कहे। मैं प्रेमशंकर कुमारी से कहूंगा कि आप अपनी बात वही माइक वही है। आयुक्त महोदय के आगमन पर उनके अभिनंदन बंधन के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं नवागत आयुक्त महोदय का अभिनंदन बंधन करता हूँ। यही धर्म है कि सबके प्रति वही भाव अंगीकार करें। इसे थोड़ा और स्पष्ट करूं एक शेर के माध्यम से कि काम जो गैर जरूरी है सब करते हैं और हम वो नहीं करते हैं, हम अजब करते हैं। और जो है समानता होनी चाहिए, स्थगन और पोषणीयता पर ध्यान देना चाहिए। यह जो है मंडलायुक्त का न्यायालय अफिलियट कोर्ट है, अगर यहाँ से जमीन नहीं मिलेगी तो दिक्कत होती है। जनता यहाँ अपील के उसमें आती है और उसके बाद अगर कोई जमीन नहीं मिले, खाली यह लिख दिया जाए कि नीचे के न्यायालयों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत उचित नहीं होगा। जज जो है और वकील कानून का सम्मान करना सिखाते हैं। हमारे जो स्वतंत्रता हुई 15 अगस्त 1947 को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो अपनी स्पीच फ्रीडम एट मिडनाइट दिया था, उसमें गांधी जी की बात को बताया कि हमारे संविधान की जो अपेक्षाएँ हैं वह यह है कि प्रत्येक आंखों से जो आंसू है उसको जो है खींच लिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, आंसू न रहे। और जो है ये एडवोकेट का कर्तव्य है कि वह नहीं चाहता कि कितने मुकदमे हम जीते हैं या हारे हैं, उसका कार्य सिर्फ जो है न्याय में सहायता करना होता है। और हम लोग यही करते हैं कि न्याय में सहायता करने का काम करते हैं, न कि कितने मुकदमे जीते और कितने हारे। और मैं आपका जो है ये आश्वस्त करता हूँ कि हम लोगों की तरफ से पूर्ण कोऑपरेशन किया जाएगा। और आपके लिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि अब से सपने लिए आफ्ताब से टकराते हैं, बड़ी मुद्दतों के बाद कोई आजिम जन व्यक्ति प्रकाशमान कभी कहलाते हैं। प्रकाशमान और ये भी करते हम लोग
दोनों पक्ष मिल करके जो ग्रामीण अंचल के और जो सब जगह से आए हुए गरीब और परेशान इंसान को न्याय दिलाने का काम हम दोनों को मिल करके करना चाहिए। इसमें कोई त्रुटि नहीं होगा, इसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ। इसीलिए आपने देखे होंगे मैं जनरली मैं आ जाता हूँ ऑफिस में तो मैं खोल के ही बैठा रहता हूँ, कोई भी आए मैं किसी को मना नहीं करता हूँ और किसी को बहुत ज़्यादा देर तक मैं इंतज़ार भी नहीं करवाता। जो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जो आप लोगों ने मेंशन किया है जहाँ पे, वो पहले की पिछले साल की 17 लाख रुपये आया था, तो अनफॉर्चुनेटली पीडब्ल्यूडी का थोड़ा मैनेजमेंट से गलत हो गया है कि वो पैसा वापस चला गया है। हम लोगों ने लिखा है वो पैसा वापस मंगवाने के लिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें आयुक्त की जो प्रांगण में होना है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का हो, चाहे हमारा डिविजनल कमिश्नर साहबान का चेंबर्स हो या कोर्ट हो या पीने के पानी का व्यवस्था हो, सब कुछ मैं एक एक करके टेकअप कर लूँगा। मैं विश्वास दिला दूंगा अगले 2-3 महीने में ये सब सुधार देंगे। देखिए, न्यू आयुक्त न्यायालय अधिवक्ता समिति की तरफ से ये स्वागत किया गया और स्वागत में हम लोगों ने यही रखा कि त्वरित न्याय किया जाए, मुकदमों का त्वरित निस्तारण किया जाए। कमिश्नर महोदय ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम न्याय करने के लिए आए हुए हैं और मेरे पास सरलता से कोई भी व्यक्ति, जनता भी, कोई भी याची हर समय दरवाज़ा खुला रहता है, जब चाहे वो मेरे पास आ सकता है, अपनी समस्या रख सकता है। हम लोगों को उन्होंने आश्वस्त किया कि मुकदमों का त्वरित निस्तारण ईमानदारी के साथ, पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाएगा, त्वरित न्याय किया जाएगा, त्वरित फैसले किए जाएंगे। उन्होंने आश्वासन ये भी दिया कि लोअर कोर्ट से लेकर अपर कोर्ट तक अगर किसी भी जगह कोई भी अनियमितता हो रही हो या किसी भी अधिकारी और कर्मचारी के द्वारा अनियमितता की जा रही हो, तो मेरे बंगले पर भी आप आ सकते हो, ये जनता आ सकती है, 24 घंटे हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है, ऑफिस में आ सकती है, कार्यालय में आ सकती है, कहीं भी आकर वो अपनी बात कह सकते हैं और हम त्वरित उसका निस्तारण करेंगे, त्वरित उस ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ उचित दंड दिया जाएगा। मैं निश्चित रूप से अपने बार की तरफ से उनको बधाई दिया और माननीय योगी जी को इस बात के लिए बधाई दिया कि दे तो कर दी उन्होंने ऐसे अधिकारी को भेजने में, और पहले भेजा होता उन्होंने तो निश्चित रूप से और भी यहाँ की जनता को और यहाँ के याचिकाओं को लाभ मिला। धन्यवाद।